सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ इंदरप्रीत कौर पन्नू। सुपने ओ नहीं जो इंसान सौं के देखता है, बल्कि सुपने तो वह होंगे जो इंसान नू सौण नहीं देंदे। ते जो इंसान अपने सुपनों नू पूरा करन दा हौसला ते जनून रखता है, वह दुनिया के उपर मिसाल जरूर कायम करता है। सो इसे दी मिसाल कायम की 23 साल मलिका हांडा ने, जिन्होंने डेफ एंड डम होने के बावजूद भी शतरंज के विश्व पद्धर से अपना नाम बनाया। सो अज साढ़े नाल मौजूद ने स्टूडियो दे विच मलिका हांडा ते उन्हां दे माता जी। आओ गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सब तो पहला मैं थोड़ा स्वागत करती हाँ जीत वैब टीवी ते। मैं मलिका हांडा पंजाब की रहने वाली हूँ, जलंधर शहर में मेरा घर है। मैं चेस प्लेयर हूँ। मेरा सभी को थैंक्स AICD को, PDSA पंजाब डेफ एसोसिएशन का मेरा थैंक्स, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के भरत सिंह सर का मैं थैंक्स करती हूँ जी। सो सब तो पहला मैं थोड़े तो ये जानना चाहूंगी कि मलिका इस चेस दे विच शतरंज दे विच किवें उन्हां नूं आउण दी इंस्पिरेशन किवें मिली? ये असी घर ही खेडदे सीगे, बच्चे जिस तरह चेस खेडदे आ, इहदे पापा ने भैया ने मैं असी सब ने इहदे नाल चेस गेम मैनूं लिया के दित्ती होई सी और खेडदे हुंदे सी। और उदों सानूं पता नहीं सी कि ये वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगी, ते बस ये खेड खेड दे विच ही अगे चली गई जी। मतलब ए दिली किसे तरह दी कोई स्पेशल ट्रेनिंग लई या किस तरह मतलब माहौल? पहला तो इंदा अपना सैल्फ प्रैक्टिस है इंदी। हाँ, सब नाल ज्यादा सैल्फ प्रैक्टिस है, जिंदे नाल बुक्स हैगियां इंदे कोल, इंटरनेट है, सब दे उत्ते अपना। और नॉर्मल बच्चियां च जाके हर टाइम दे उत्ते खेडदी रहिंदी है, टूर्नामेंट्स खेडदी रहिंदी है। हाँ जी, जिथे हार या जीत के भी ये अज वर्ल्ड लैवल दे उत्ते पहुंच गई है जी। ते जदो तुसी पहली बार इन्हां नू चैस लिया के दिती, उस तरह मतलब जदो इन्हां ने दस्या कि इन्हां नू चैस दे विच इन्हां दा इंटरस्ट है, ते उस समय तुहाडा की तुहाडी की प्रतिक्रिया सी, सपोर्ट किन्नी सी फैमिली दी? साडी फैमिली दा बहुत ज़्यादा इन्नू सपोर्ट सी, क्योंकि एक्चुअली दे विच ये बोलदी नहीं सी, और उस करके भी सारी साडी फैमिली इन्नू एक तरह दी अखां दे उत्ते ही बिठा के रखदी सी इन्नू, कि ये जो चाहती सी असी ओ ही इन्नू पार्टिसिपेट करवा देंदे सी। चाहे इन्हें मॉडलिंग च भी गई है, डांस च भी जाती रही है, फिर इन्हें चैस वाल किया, तो असं इन चैस लिए भी लैके गए सी। हाँ, पहली बार इन्हें नैशनल खेडिया चेन्नई दे विच, और फिर इन्हें 2012 दे विच इन्हें जदों अपनी सारी अपनी सैल्फ प्रैक्टिस दे नाल जाके जम्मू कश्मीर दे विचों जाके इन्हें गोल्ड मैडल लिया सीगा नैशनल दे विचों जी। जदों मतलब ये सारिया उपलब्धियां होंदियां सी या शतरंज का मैच खेडन जांदे सी, किस तरह का एक्सपीरियंस हुंदा सी? एक्सपीरियंस जदों नॉर्मल बच्चों से जाती सी उदों इनू अपने, क्योंकि कन्ना तो इनू सुनदा नहीं, इनू अपने कन्ना नू भी अखां बनानियां पईयां उस टाइम दे उत्ते। इनू हर तरह का ध्यान रखना पैंदा सी कि मेरे नाल कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई होर गल तो नहीं हो रही। हुण इनू इन्ना को एक्सपीरियंस हो गया कि जिस तरह कि साडियां 6 अखां है, 2 कन्न है, इन्हें 2 कन्ना नू भी ना वो एक साइड के उत्ते करके इन्हें अपनियां अखां नू ही 4 बना लिया होया जी। मतलब जदों भी मलिका जाती है कोई भी मैच खेडन, तो मतलब उस दे नाल तुसी हमेशा उस दे नाल जांदे? हाँ जी, हमेशा ही जानी हाँ मैं नाल, बस इंटरनेशनल च नहीं जा पाती। ओके, ते मतलब जदों मलिका मैच खेड रही होंदी है काफ़ी माहौल इदा का होंदा ना कि उहदे ते कॉन्सनट्रेट करना पैंदा, काफ़ी शांत माहौल हुंदा, ते तुहाडे दिल विच उस टाइम की चल रहा हुंदा है? मेरे दिल च कुछ नहीं चल रहा हुंदा, जे हार के आवे तां भी ये हसदी होई जांदी है। हाँ जी, और जे जीत के आवे तां भी ये हसदी होई जांदी है, यानी कि ये हार नूं भी उस तरह ही एक्सेप्ट करदी है जिस तरह जीत नूं करदे है बच्चे जी। मतलब हुण भी असीं देख रहे हैं कि मतलब कि एक स्माइल जिहड़ी है लगातार इन्हां दे फेस ते मतलब हमेशा बनी रहिंदी। ते जदों उन्हां ने विश्व पद्धर ते चैस दे विच अपना जदों फर्स्ट मैडल गोल्ड मैडल हासिल कीता, उस टाइम तुहाडी की प्रतिक्रिया सी? साड़ी प्रतिक्रिया तो एक एज ए पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि बच्चे ने उदो 3-4 महीने गेट तो भी बाहर कदम नहीं सी रखिया, और अंदर चैस 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 हर टाइम के उत्ते चैस ही होंगी सी। असी कई बार सो जाते सी, थक जाते सी, पर ये चैस की प्रैक्टिस राती 3-3 बजे तक करती रहती सी। हाँ जी, मतलब जो शतरंज के मैच तो पहला की तैयारी किस तरह की होंगी है? तैयारी इनकी अपनी सैल्फ ही होंगी है, बुक्स तो इंटरनेट तो सारिया तैयारियां करती रही, अपनिया गेम्स तैयारियां करती रही है, और जिथे खेडन जाना है उन्हां दियां गेमां कढ के उन्हां दियां
हर चीज़ नू देखती रहती है जी, कि जी। किस तरह उन्होंने एनालाइज करती रहती अपने आप ही, क्योंकि काफ़ी इंदे हैगे है जिन्होंने हैल्प की है। अश्विनी तिवाड़ी है, उन्होंने इनू बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और इनू सारा दसिया कि किस तरह विचो तू एनालाइज करनी है, गेम्स किस तरह कढ़निया ने और उन्होंने चैक किस तरह करना है, अपन गेम जारियाँ हारियाँ वह भी चैक करनी, मैं की गलती की सी, इस तरह दारियाँ बारीकियाँ उन्होंने इनू समझाइया हुई हैं। जो नैशनल तो बाद इंटरनेशनल लैवल पर जाने का मौका मिले, उस टाइम किस तरह की तैयारी सी, कोई खास तरह की ट्रेनिंग की या खास तरह की कोई तैयारी की सी? ट्रेनिंग बस इनकी सैल्फ प्रैक्टिस ही है ज़्यादा जी, सैल्फ प्रैक्टिस और टूर्नामेंट से खेलती रहती, ज़्यादा नॉर्मल्स के जाके खेलती है, उनका इनू ये फायदा होया कि वर्ल्ड के जाके कॉन्फिडेंस के नाल खेलती है और इनू कोई इस तरह की कोई उत्थे औकड़ महसूस नहीं होंगी हैगी कि इतों ही इतने भावें हार के चाहे व्डिया व्डिया खेडती है जदों तो वह इनू हार दी भी है तो भी इनू दस देंगे है कि तू ये गलती की सी और चलो जितती है वह उदों भी दस देंगे जे बाय द वे इन कोई मिसटेक हुई है तो वह भी सारे सीनियर प्लेयर इनू सब कुछ दस देंगे है। ठीक है, मतलब जदों शतरंज के चैस के प्लेयर बने उस तो बाद किसी तरह की मुश्किल कभी आई, कोई मुश्किल इदा की कठिनाई की जो घटना हो कभी थानू कोई याद हो? नहीं, मुश्किल तो नहीं आई एक्चुअली, इनू सारे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने पंजाब चैस एसोसीएशन, ऑल इंडिया चैस फैडरेशन के भरत सिंह सर खुद घर आए थे, जिहड़े जनरल सैकटरी है साडे घर आए थे इनू विश करन लई और इनका हौसला अफजाई करन लई, पंजाब चैस एसोसीएशन के भी सारे जने ही आए सी घर दे विच और इनू पूरी पूरी सपोर्ट करते हैं गेम दे विच, हर तरह की उन्हां दी सपोर्ट है और इनकी अपनी एसोसीएशन है वह भी पूरी पूरी तरह की सपोर्ट करती है, पंजाब डेफ एसोसीएशन है वह भी सपोर्ट है जी। अगर गल करिए मलिका दी उपलब्धियां दी तां हुण तक किन्ने मैडल जिहड़े आ हासिल कर चुके? हुण तक पांच वारी ते नैशनल चो लगातार चैंपियन बनती आ रही है, ये तुहानू सारयां नू पता होएगा। बिल्कुल, एशिया की पहली जिहड़ी विमेन जिन्हें डिसेबल कैटेगरी दे विच इंटरनेशनल लैवल ते एशिया दे विच गोल्ड मैडल जीता। हाँ जी, ये अपनी इंडिया की पहली लड़की है। हाँ जी, सब नू ये पता ही होएगा कि इंडिया की पहली लड़की है जिन्हें रेटिंग लई जी और वर्ल्ड दे विच अपना नाम लिखवाया सी जी, जी, जी। वर्ल्ड वूमन दे विच और फिर इंडिया की पहली लड़की सी जिन्हें एशिया च गोल्ड और सिल्वर लिया जी और इंडिया की पहली लड़की सी जिन्हें वर्ल्ड दे विच भी गोल्ड और सिल्वर लिया सीगा और लास्ट ईयर इन्हें डिसेबल दे विचों भी जाके सिल्वर मैडल लैके आई। हाँ जी, और हुण रीसेंटली इन्हें फिडे ओलंपियाड दे विचों वर्ल्ड दे विचों ब्लिट्स दे विच इन्हें सिल्वर मैडल लिया, जिथे कि रशिया की लड़की भी फस्ट सी और थर्ड भी रशिया की लड़की सी जी। बिल्कुल, असी देख भी रहे हैं कि जेडे गोल्ड मैडल मतलब कि उन्होंने पाए हुए ने। हाँ जी, ते जदों मलिका ने एडी वड्डी अचीवमेंट हासिल की थी, उस तो बाद जदों लोगों ने थानू ए कह के बुलाना शुरू किया कि ये मलिका दे पेरेंट्स ने, उस समय थोड़े दिल विच की चल रहा सी? बहुत ज़्यादा खुशी होंदी है एक पेरेंट्स लई, सब पेरेंट्स नू पता होएगा कि जदों असी अपने बच्चियां दे नाम तो साडा अपनी एक पहचान अलग होंदी है जी, पर जदों असी अपने बच्चियां दे नाम तो पहचाने जाइए कि वह मलिका दी मम्मी है, वह मलिका दे पापा है। हाँ जी, ईवन देन इन दे ब्रदर नू भी इन्नी खुशी होंदी है कि जदों कोई कहिंदा है कि अतुल मलिका दा ब्रदर है वह इन्ना खुश होंदा कि मम्मा मैनू मेरी भैन दे नाम तो जानते पे है सारे जने, और बहुत ज़्यादा खुशी दा साडा हुंदा वह मूवमेंट जिहड़ी हुंदी हैगी। ते हुण आने वाले समय दे विच की फ्यूचर प्लान्स ने, हुण किहड़े किहड़े मैच मलिका खेडेगी? मलिका सारे पंजाब वासियां लई बहुत ज़्यादा खुशी की गल है, पंजाब इंडिया और जलंधर लई खास करके कि जिहड़ी वर्ल्ड की टीम दे विच सिलैक्ट होई है, यानी कि अपने पंजाब और जलंधर के शहर के विचों जाके वर्ल्ड की टीम नू रिप्रजेंट करना एक बहुत वड्डे मान की गल है और नॉर्मल कैटेगरी के विच जाके खेडेगी और वर्ल्ड की टीम नू रिप्रजेंट करेगी नैक्सट सैप्टेंबर के विच है जी। बिल्कुल, साड़ियाँ सारियां दियां शुभकामनावां मलिका दे नाल है। सो अगर गल करिए कि खेड विभाग वालों मलिका नू किन्ना मान दिता गया एड्डी वड्डी अचीवमेंट हासिल करन तो बाद? खेड विभाग ने स्टेशन दे उत्ते इंदा वेलकम कीता है जी, पहले तो एक्चुअली दे विच असी सब पासे जांदे रहे हैं, इंदे सर्टिफिकेट्स लैके सब पासे जांदे रहे हैं, पर हुण खेड विभाग दा भी थोड़ा जिहा मलिका दे वल ध्यान होया है चार सालां बाद कि बच्चा इन्ने सालां तो लगातार गोल्ड सिल्वर लैके आ रहा है
ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਲਿਕਾ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਰਿੰਕੂ MLA ਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਹਾਰਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਲਿਕਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਗੇਮਾਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਮਲਿਕਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ? Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕਾ ਹਾਂਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਧੰਨਵਾਦ।